कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 हम इसका आठवां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न को समझिए, ये वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया। यदि आप ध्यान से देखें इस बिंदु A को, इससे इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं AS और AB। और हमने पढ़ा था यदि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनाई जाएं तो दोनों की जो लंबाई है वह बराबर होती है। इसका मतलब ये होगा A से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं AS और AB, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। AS बराबर होगा AB, या इसको हम लिख सकते हैं AP बराबर AS। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने AP को पहले क्यों लिखा। AP AS के बराबर होगा और इसके साथ लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए, यह B बिंदु है, B बिंदु से इस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं हैं BB, BQ। इनकी भी जो लंबाई है वो आपस में बराबर होगी क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और दोनों की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। तो BB बराबर होगा BQ के, इसको ले लें इक्वेशन नंबर 2। इसके साथ भी यही रीजन लिखा जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, सी बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं सी आर सी क्यू। तो सी आर बराबर होगा सी क्यू के, इसके साथ भी यही रीजन है। और यदि आप इधर देखें डी, डी से भी इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं डी आर और डी एस। तो डी आर बराबर होगा डी एस के, इसका भी यही रीजन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये समझ आया सबको? इसके साथ है, इसको ले लें इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले लें इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इन चार इक्वेशनों को प्लस कर लेंगे, एडिंग 1 2 3 4। जब हम इन चारों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड में प्लस होगी, राइट साइड में प्लस होगी। लेफ्ट साइड पे लिखिए आ गया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। और इसी प्रकार से राइट साइड पे सारी राइट साइड्स प्लस हो जाएगी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यदि आप ध्यान से फिगर में दोबारा देखेंगे, AP प्लस BP किसके बराबर होगा, पूरी लेंथ के बराबर होगा। देखिए AP प्लस BP किसके बराबर होगा, पूरी लेंथ AB के बराबर होगा। प्लस CR प्लस BR, CR प्लस DR किसके बराबर होगा, पूरी लेंथ CD के बराबर होगा। बराबर ऐसे ही यहां पर AS और BQ, AS यहां है BQ वहां है, इनको तो प्लस नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें AS और DS, AS और DS इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी AD। इसी प्रकार से BQ प्लस CQ, BQ
प्लस सी टू मिलकर पूरी लाइन बन जाएगी बीसी। यदि हम इसे अपने क्वेश्चन के साथ मिलाएं तो हमें सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ, यही इस प्रश्न का उत्तर है।